थोड़े रिपीट, दो अक्षरीय शब्द वाले वाक्य आज हमें सीखने वाले हैं। तो शुरुआत में आपको हिंदी की नोटबुक ओपन करनी है, उसमें क्लास वन निबंध हेडिंग देना है, फिर दो अक्षरीय शब्द वाले वाक्य ए हेडिंग देना है, फिर जो है वाक्य आपको लिखने हैं जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए घर, कौन सा शब्द तैयार हुआ, घर। चल तो घर चल, ऐसे हमें कहना है। ओके, नेक्स्ट दूसरा जो वाक्य है, क्योंकि इसमें दो ही अक्षर है घर चल और ए, दो शब्द मिला के एक वाक्य तैयार हुआ घर चल, ऐसे हम कहते ना घर पे चल, तो वैसे घर चल। ओके, नेक्स्ट जो है ज ल भर, जल भर, ठीक है। इसमें भी दो अक्षर है और ये दो शब्द मिलके एक वाक्य बना, जल भर यानी पानी, अभी तू भर यानी जल यानी क्या होता है, पानी होता है। ओके, बाद में देखो जय फल चख, जय फल चख यानी फल चख कर देखो, जय को कहा गया है। ओके, बाद में बच कर चल, बच कर चल, ऐसे आपको पढ़ना है, बच कर चल यानी संभाल कर चलना यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद बस पर चल, ओके, बस पर चढ़, जैसे हम कहते हैं ना बस पर चढ़ो, तो यहाँ पे बस पर चढ़, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आपको बनाकर लिखने हैं। नेक्स्ट डर मत, सच कहो, डर मत सच कहो यानी डरो मत, जो सच है वही बता दो। ओके, के बाद छत पर चढ़, छत पर चढ़ने के लिए कहा गया है छत पर चढ़, ऐसे आपको पढ़ना है और नोटबुक में लिखना है। अब लड़ मत, ओके, तो यहाँ पे अब लड़ मत ऐसे कहा गया है। तो ये जो मैंने अभी सेंटेंस लिखे हैं आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और वो कॉपी करने हैं। ओके, देखिए घर चल, जल भर, जय फल चक, बच कर चल, बस पर चल, डर मत सच कह, सात नंबर का है छत पर चढ़, आठ नंबर में अब लड़ मत, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आपको, दो अक्षर है इसमें एक शब्द बना है, तो दो अक्षरीय शब्द वाले क्या हो गए, वाक्य हो गए। तो ये आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, ये जो है आपको दो बार लिखने हैं, दो पेजेस पे लिखने हैं, देखकर कॉपी करना है स्टूडेंट्स। एक बार पेरेंट्स लिख कर दे सकते हैं, स्टूडेंट देखेंगे कॉपी करेंगे दूसरे पेजेस पे। ओके, अब हम आगे के जो वाक्य वो देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको हिंदी की किताब ओपन करनी है, उसमें पेज नंबर 18 पे दिया है, देखिए समझिए और पढ़िए। यहाँ पे देखिए फल चक, जय घर चल, घर पर इश जग, अब फल चक, फल चक कर रख, बक बक मत कर, ऐसे आपको ये पढ़ना है और समझ लेना है। देन खत पढ़, खत पढ़ने के लिए कहा है खत पढ़, नव लड़ मत, अब झट पढ़, झक झक मत कर। ओके, फिर जल भरने के लिए कहा है अब झट चल, चल कर जल भर, उसने कहा है कि पानी भरना है, ये लड़की कह रही से, अब टब मत रख, टब भर कर चल, जल भर कर टब ढक, यानी जल भर कर हमें टब को ढक देना है। ओके, यहाँ पे घर चलने के लिए कहा है लप घर चल, लप को कहा है कि घर पे चल, अब डर मत, बन मत,
थक मत, बढ़ चल, चल कर रस चक, हट मत कर, यानी जिद मत कर, अभी चलकर हमें क्या करना है, रस चखना है। तो ये जो छोटे छोटे शब्द यहाँ पे है, शब्द के वाक्य बनाए गए हैं दो अक्षरों के। तो ये जो है फल चक, ओके, सभी आपको नोटबुक में लिखने हैं। खत पढ़, इसके जो चार यहाँ पे वाक्य दिए वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। जल भर, इसके बारे में भी दिया है, तो ये वाक्य आपको नोटबुक में कॉपी करने हैं स्टूडेंट्स। घर चल, ये भी नोटबुक में आपको कॉपी करने हैं और पढ़ना है, ठीक है। कॉपी करके जो है उसके फोटोज मुझे सेंड करने, आपको नोटबुक में ये सभी सेंटेंसेस लिखने हैं। अभी हम जो है कि होमवर्क देखेंगे। तो स्टूडेंट्स बाद में आपको होमवर्क हेडिंग लेना है, दो अक्षरीय शब्द वाले वाक्य लिखो, ये आपको नोटबुक में लिखना है स्टूडेंट्स, ओके। और जो है कि आपको ये वाक्य लिखने हैं, कॉपी करने हैं। देखिए फर्स्ट है घर चल, तो ऐसे आपको देखकर लिखना है नोटबुक में, ओके, ये फुल स्टॉप होता है हिंदी में। दूसरा जो वाक्य है जल भर, वैसे के वैसे आपको देखकर लिखना है स्टूडेंट्स नोटबुक में, पढ़ना है, आप क्या लिखते हो पढ़ना है। जय फल चक, चौथे नंबर का जो वाक्य वो है बच कर चल, पांच नंबर का है बस पर चल, ढजे भी रहेगा ऐसे लिखना है आपको भाभी। नेक्स्ट है डर मत, सच कह, ओके, सात नंबर में लिखना आपको छत पर चर, और आठ नंबर में लिखना आपको अब लड़ मत, ओके। तो ये जो वाक्य है सभी आपको कॉपी करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। घर चल ऐसा पढ़ना है, जल घर, जय फल चक, बच कर चल, बस पर चल, डर मत, सच कह, छत पर चल, अब लड़ मत। तो ये आपको पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, ओके, अच्छे से राइट डाउन करने हैं, लिखने हैं आपके नोटबुक में, होमवर्क में भी लिखने हैं, साथ में आपको क्लासवर्क में भी। ये जो सेंटेंस मैंने अभी आपके सेंटेंस आठ सेंटेंस दिए गए, आठ सेंटेंस जो है आपको नोटबुक में कॉपी करने हैं, ओके, पढ़ना है, और जो मैंने टेक्स्ट बुक में बताया वो भी आपको पढ़ना है, साथ में वो भी आपको नोटबुक में कॉपी करके उसके फोटोज भी मुझे सेंड करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आज हमने दो अक्षरीय शब्द वाले वाक्य देखे हैं, तो ये जो है वीडियो आपको अच्छे से देखकर अंडरस्टैंड कर लेना है। नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू।